हमको उल्लू बनाया ना, रुक तुझे ना मामा, मुझे कोई अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, और आप ही ने तो कहा था कि जेईई के एग्जाम में बैठ जाओ। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, सोचा था कहां तुम्हें क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा, हाँ क्लियर भी होगा, और मैं नागालैंड से बाहर भी जाऊंगी, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। कुत्सु, खाना रेडी है, आ जाओ। नखामा, क्यों तुम्हें भूख नहीं है क्या? अरे छोड़ो ना उसे, भूख नहीं होगा। नहीं, भूख लगी है। तो फिर बुलाने को राय क्यों नहीं थी? भूख हड़ताल। ये सब क्या है बेटा, तुम्हारी बच्ची नहीं है ना? तो जाने दो ना कराईकुटी। अगर ये कराईकुटी जाएगी तो मैं भी बेंगलोर जाऊंगी। हो क्या रहा है इस घर में, ये क्या मजाक है? चलो खाना खा लो। अब क्या तुम बात भी नहीं करोगी? तू भी अपनी इंजीनियरिंग कहीं बाहर से कर, नहीं तो तू भी कुछ देख नहीं पाएगी। ना लगे चाय पीना? नहीं, चाय नहीं है तो कॉफी है। कॉफी? हाँ, अरे कॉफी अभी से आदत डाल लेना, चेन्नई में लोग चाय से भी ज्यादा कॉफी पीते हैं। कौन कहा मैं चेन्नई जा रही? क्यों नहीं जाएगी, मौका मिलेगा तब ना। वैसे तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? डिनर पे तो साथ नहीं दिया, उल्टा क्या बोली, अगर कोचो चेन्नई जाएगी तो मैं भी बैंगलोर जाऊंगी। अरे वो तुम्हें मजाक कर रही थी। मजाक इस सिचुएशन पे? हाँ। वैसे तुम चाहती क्या हो, मैं जाऊं या ना जाऊं? वो तो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई करो, मेरी तरह 12th के बाद स्कूल ज्वाइन मत करो। वैसे मन तो मेरा भी नहीं है कि मैं टीचर बनूं, वो भी तुम्हारी तरह बेकार टीचर। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो। चल माफ कर दिया। गुड कॉफी। अजबू बेटा बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। हाँ माँ, सोने नहीं दे रही है। सॉरी मम्मा। ये बैग कैसा लगा? ये क्या है? ये बैग है, नया नया खरीद के लाया हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चेन्नई जा रहा हूँ। चेन्नई? वाह, मुझे मना करके आप खुद जा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फेयर क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। तो कौन जा रहा है? हमें रोज फोन करना और अपना ख्याल रखना, समझी? मतलब मैं
अरे बुद्धू, ये तेरा बैग है, तू चेन्नई जा रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चेन्नई जा रहा। तुम्हें कराईकुडी इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के वापस आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू। लेकिन अचानक से ये चेंज कैसा? आज आपको की वजह से दीदी। कल रात तुम्हारी सोने के बाद वो आई और आके हमें कन्विंस किया कि तुम्हें वो जोश है कुछ कर दिखाने का जोश, पर हमें लगा कि तुमके वो मौका देना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीदी मेरे लिए फाइट करेंगी। अरे हाथी के दांत खाने के लिए अलग है और दिखाने के लिए अलग। फेस देखकर किसी के बारे में नहीं बोल सकती। मुझे ये सब कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, पर थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें नहीं, अपनी दीदी को बोलना। बोलूंगी उनको, बोलूंगी। तो फिर जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करो। करते करते दिखा जा रही है। अरे जल्दी करो, क्या कर रही हो? वो तो दीमापुर जाके ट्रेन भी पकड़ना है, जल्दी करो ना। अरे पता है मुझे, पता है। भरो उसको। डालो। अब ये क्या है? ये कम है क्या? और एक बैग पैक कर दो। इतना सामान। आप सब साथ चल रहे हो क्या? नहीं, ये सब जरूरी सामान है। जरूरी सामान? स्वेटर। कराईकुडी में गर्मी होता है, वो भी पूरे साल। अरे बेटा, रखने में क्या प्रॉब्लम है? रख लो, शाम को ठंडा लग गया तो। और क्या क्या भरा है आपने इसमें? इसमें खाने की सामान है। खाने की चीजें? मैं कराईकुडी जा रही हूँ, अफ्रीका नहीं, वहां भी खाने को मिलता है। मुझे नहीं लगता है, वहां तो सब गोल गोल है। इडली, बड़ा, डोसा, सब गोल गोल। वहां भाई लोग भी गोल गोल है। दीदी कहां थी? कब से वेट कर रही थी? आई वांट टू गेट दिस फॉर यू। क्या है इसमें? थोड़े से पैसे। थोड़े? इतने सारे पैसे का क्या करूंगी मैं? अरे तू बाहर जा रही है ना, यू नीड इट। मामा ये पैसे रख लो। क्या भूल गई? जल्दी करो। और इसमें क्या है? कॉलेज में रैकिंग होती है, तेरी कमाई की। रख ले दीदी, कुछ भी। ट्रस्ट मी, मुझे पता है इंजीनियरिंग मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है तेरी कमाई की। रख। अच्छा बाबा, रख लेती हूँ। आप चलें, ट्रेन छूट जाएगी, लेट हो रहे हैं। हाँ, चलना चाहिए। हाँ, चलो। केनी कहाँ है? पता नहीं, सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कनेक्टिविटी से फोन पे बात कर लेना। अब चलो। केनी कहाँ थे आप? आप लोगों का वेट कर रहा था, अब चलो। कहाँ? स्टेशन? नहीं, कराईकुडी। केनी बेटा,
दीदी का जाने का समय में ऐसा नहीं करते ना। दीदी मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज ले चलो ना। लेकिन आप रहोगे कहाँ पे? आपके साथ। वहाँ पे तो सिर्फ लड़कियाँ रहती है, आप सोओगे कहाँ? मैं तो छोटा हूँ, आपके बेड के नीचे सो जाऊंगा। मामा आप प्लीज इसे समझाइए ना, अगर ये ऐसा करेगा तो मैं कैसे जाऊंगी? अरे तो फिर बैग वापस रख दे। आप चुप रहिए मामा। केली, दीदी पढ़ने के लिए जा रही है, तुम नहीं चाहते हो क्या दीदी पढ़े और बहुत नाम करे? अगर तू उसे जाने नहीं देगा तो वो कैसे पढ़ाई करेगी, और पढ़ाई नहीं करेगी तो नाम कैसे करेगी? दीदी आप मुझे फोन करेगी ना? ऑफ कोर्स मैं आपको फोन करूंगी। अरे चलो चलो ट्रेन छूट जाएगी। खाना पीना टाइम पर खाना, हाँ, और पढ़ाई में ध्यान देना। খান বাহারে যাইছে কইলে ঘরে ওপাস আহিলে মন নাই, বাহার লাগা হাওয়া খায় খাই গেলে কুম্বা আম্মা বাবা কেবি পাহুরি যায় আর সাদিবি ঘুরে গিয়ে নাহি যায়। দেখি হামারে কুছু এসা নেই হ্যায়, ও বহুত সমঝদার লড়কি হ্যায়, উসে পতা হ্যায় ও কাহাঁ সে হ্যায়, ও পড়নে কে লিয়ে গই হ্যায়, পড়কে ফির ওয়াপস আয়েগি। আন্টি আপকো নেই লাগতা হ্যায় কি আপ দুসরো কি লাইফ মে থোড়া জিয়াদা ইন্টারেস্ট লে রহে হো? वैसे आंटी आपसे एक बात पूछनी थी, वो आपका बेटा रॉकी आजकल दिखाई नहीं देता है, कहाँ गए है? वो भी पढ़ने गए है क्या? तू भी ना जब बहुत बदमाश हो गई है। बोलना सीखो मम्मी, नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगी। हमें अंदर जाना। परमिशन इलाम है, निंगे उल्ला वरम डिया दे। अरे हमें अंदर जाना है, मेरी भाजी थकी हुई है। उंगा कटियो परमिशन इल्ला, ना ये पड़े उंगला उल्ला वरम डियो। क्या बोल रहा है? मामा, एडमिशन इंजीनियरिंग न्यू, क्या आदमी है, कुछ नहीं समझता। मैं बोला था ना मता मता मता, अभी भुगतो। देखो इन सब से संभल के रहना ना, यहाँ का खाना अच्छा है, रहना अच्छा, ना भूलना। रुको, लिसन, आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल दैट यू आर हरासिंग नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। यस देखो धमका यार तो सरत सर। गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सर वो ग्रोसरी शॉप में आया था, दुकानदार सामान भर रहा है, तो मैंने सोचा आपका घर तो पास में ही है, एक बार मिलता हुआ जाऊं। मैंने पूछा कैसे हो? ओह हाँ ठीक हूँ सर। अपनी बेटी को अभी से मिस कर रहे हो? क्या करूँ सर, अपना कुछ कभी भी घर से अकेला नहीं गया ना, नानी के यहाँ भी जाता है तो उसका मम्मी उसके साथ में जाता है। I can understand your feelings, लेकिन अगर माँ बाप को बच्चों से इज्जत चाहिए तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को आज़ादी दे, और वैसे भी वो आसानी से एडजस्ट कर लेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ट्रस्ट है सर, इसीलिए तो उसको भेजा ना, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, और देखना एक दिन तुम्हारे साथ साथ पूरा नागालैंड का नाम रोशन करेगा, बिलीव मी। चलो घर में चाय पीने चलते। नहीं सर, वो मेरा ग्रोसरी का सामान लेना है ना। अरे चलो तो सही कुछ देर के लिए, फिर कभी सर। बाय सर। बाय। कोचू, अपना पैसा कहीं छुपा के संभाल के रखना, देखने किसी को मिलना चाहे। ठीक है मम्मा। देखो कैसे देख रहे, देखो ना, इनमें से कोई भी छोड़ सकता है। तो वो नीली पेंट वाली पर शक हो रहा है। मामा मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब आप जाइए, ट्रेन मिस हो जाएगी आपकी। कहाँ मिस हो जाएगी, ट्रेन तो रात को है ना। तो ठीक है, मैं एक बार तुम्हारा हॉस्टल देख कर आता हूँ, देखता हूँ क्या अरेंजमेंट है ना। हाँ देखा, मैं बोला था ना। मामा Excuse me, मेरी बात सुनिए। अरे यार कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। अरे कोई किसी का परवाह नहीं करता, इतने दूर से ट्रेवल करके आया है, एक कप चाय के लिए तो पूछना चाहिए था। अरे वो टैक्सी वाला पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा लेके हुआ है, यह सब कुछ गड़बड़ है, कुछ भी ठीक नहीं है। Excuse me. ये वार्डन के रूम किधर है आपको पता है? जी आपको? मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड? मेरी नीस को यहाँ नया नया एडमिशन मिला है, यू नो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ सब इंटेलिजेंट लोग ही आते हैं। आप यहाँ काम करती हैं? आई मीन यू आर स्टाफ? एक्सक्यूज मी, मैं स्टाफ नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं भी फ्रेश हूँ, आज सुबह ही आई हूँ। एक्चुअली वार्डन भी मुझे नहीं मिली, लेकिन गार्ड ने कहा एक दो घंटे में वो आ जाएगी। एक दो घंटे क्या होता है? एक्सक्यूज मी अंकल, ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जब वार्डन आएगी तब पूछ लेना। यू आर राइट, हमें वार्डन से पूछना चाहिए। और ये वॉचमैन ने हमको बहुत तंग किया, उसको हमारी बात समझ में नहीं आया। हाँ उसको बदल देना चाहिए, बहुत मुश्किल से हमें अंदर आने दिया, उसको एकदम चेंज कर देना चाहिए। अगर वार्डन नहीं सुनेगी तो हम प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर देंगे। जरूर करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, सुनिए एक मिनट। वार्डन मैडम इतने लेट क्यों? एक दो घंटे नहीं, मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। एक दो तीन घंटे लगे, जितने लगे लगे, मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। अरे तुम ऐसा क्यों बैठा है, आज दोपहर में क्या हम लोग को भूखा रखने के आया? पहले से कुछ बनाया हुआ है, वही खा लेना, मेरा मन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, देखो बेटी लोग को तो एक दिन जाना ही है, आदत डाल लो। बच्चे कब बड़े हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। ये बच्चा लोग बड़ा होता है माँ बाप का सहारा बनने के लिए, और ये लोग मजबूत सहारा तब बनता है
जब एडुकेटेड होके कामयाब इंसान बन जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो एडुकेटेड तो बन जाते हैं लेकिन अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। लेकिन हमारा बच्चा लोग में से तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात बोलो, तुम सडनली ऐसे पॉजिटिव बात कैसे बोल लिया? अरे वो रास्ता में डॉल्फ सर मिल गया था तो उन्होंने ही। हाँ हाँ हा, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सच्ची में अगर डॉल्फ सर नहीं होता तो ना जाने नागालैंड के बच्चों का क्या होता। तुम एक बच्चा का गम में अभी बाकी बच्चों का फास्टिंग करवा देगा। जाओ कुछ बनाओ। हाँ ठीक है। ये ले जाओ। अरे सुनो। हाँ। एक कप चाय बना देना मेरे लिए। हाँ ठीक है। सभी लोग वार्डन मैडम को ढूंढ रहे हैं और वो तो आराम से आएगी, वो भी 2-3 घंटे में। मामा उनको जब आना होगा तब आएंगी ना, आपको क्या लेना देना है? और वो वार्डन है, स्टूडेंट नहीं। डिसिप्लिन नाम का कोई चीज है या नहीं? सब काम सभी लोगों को टाइम पर करना चाहिए और टाइम पर आना चाहिए। ये रहा तुम्हारा खाने का सामान और बाकी सामान तुम्हारे वो कबर्ड में रख दिया। मामा ये खाने का सामान भी कबर्ड में रखती हूँ ना, तो मैं बुक्स कहाँ रखूंगी, पढ़ाई कहाँ करूंगी? वो तुम बिस्तर पे रख देना। हाँ अभी मैं बाहर एक लड़की से मिला था, मैंने उसे वार्डन मैडम के बारे में पूछा, उसको भी कुछ नहीं मालूम, पता नहीं कब आएगी। मैं तो आज वार्डन मैडम को मिलकर ही जाऊंगा। मामा आपकी रात की ट्रेन है, आप ना बाहर घूम के आ जाइए। और हाँ किसी से भी बात मत करना, जानना पहचान आप किसी से भी बात करना शुरू कर देते हो। और बाकी का सामान आप ऐसे छोड़ दीजिए, मैं अरेंज कर लूँगी। आप जाओ ना घूम के आओ, आपका ना यहाँ रहना ठीक नहीं लगता है। क्यों, मेरा यहाँ रहने से क्या होता है? आप समझते क्यों नहीं हो, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो आप जाओ ना बाहर घूम के आ जाओ। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हाय केकोत्सु, जो भी हो तुम्हारा बेड उधर है और ये मेरा बेड है। और सुनो मेरी कबर्ड को हाथ मत लगाना। ओके अभी मुझे बात नहीं करनी, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। और एक बात, इस रूम में नॉनवेज अलाउ नहीं है।